कोरोना का कहर लगातार लोगों पर टूट रहा है। एक तरफ जहां लोगों की जान जा रही है, वहीं जीने के लिए राशन जुटाना भी अब एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। आय के साधन पहले से ही सीमित थे। कोरोना कर्फ्यू के चलते मानो उन साधनों पर भी कोरोना की काली नजर पड़ चुकी है। यही वजह है कि लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में जहां जिला प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद को आगे आ रही हैं, वहीं सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने मजबूर और जरूरतमंद लोगों को सहायता देने का बीड़ा उठा लिया है। इस नेक काम में उन्होंने काला पंचायत के दौसी गांव में जाकर लोगों को राशन वितरित किया। विधायक धनीराम शांडिल ने जहां एक ओर जरूरतमंद लोगों को सहायता के लिए राशन वितरित किया, तो वहीं उन्होंने कोरोना से लड़ने और बचने के टिप्स भी बताए। उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में वे किसी भी व्यक्ति को असहाय छोड़ने वाले नहीं हैं। उनकी मूलभूत सुविधाओं का वे ध्यान रख रहे हैं। जो व्यक्ति जरूरतमंद है और उसे सहायता की आवश्यकता है, उनकी टीम उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रही है और भविष्य में भी ये मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को अनुशासन, इच्छा शक्ति और योग शक्ति के माध्यम से हराया जा सकता है। इसलिए इस संकट के काल में हमें ये तीनों चीजें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, तभी हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। आज हम काला पंचायत के दौंटी गांव में आए हैं। कमज़ोर वर्ग के साथी हैं, उनकी सहायता करें, इसलिए थोड़ी राशन व्यवस्था की थी, उनको दिया गया। जिन लोगों को तो राशन नहीं भी पहुंचा, उनकी भी लिस्ट ले ली जा चुकी है और उनको भी राशन की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी प्रकार से मैंने जिस प्रकार से 10 लाख जो विधायक निधि से दिए, उसमें भी हम परचेज कमेटी बनाकर सभी लोगों को इस जो ये सुविधा है, इसका फ़ायदा पहुंचे, इसकी व्यवस्था करेंगे। और ये मैं समझता हूं कि जो 2 हमने एम्बुलेंस दी हैं, उसका भी यही ध्येय है कि लोगों को, जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो गाड़ी नहीं कर सकते, जो इस हालत में जिनको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पहुंचना पड़े या कई बार रेफ़र करते हैं, इसलिए भी वो दोनों एम्बुलेंस का भी फ़ायदा उठाएँ। मास्क पहनना एक हैबिट की तरह रखना होगा, अपने अंदर अपनी जेब में थोड़ा सा सैनिटाइज़र रखना, एक दूसरे में परस्पर दूरी रखना, अपनी पर्सनल हाइजीन को देखना, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं तो योगा की तरफ भी ध्यान दें, अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ़ाएं, अपने अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा करें कि हम इस बीमारी का बड़े डट कर मुकाबला करेंगे, अपने अनुशासन के जरिए, अपनी पर्सनल हाइजीन के जरिए और अपनी योगा शक्ति के जरिए।